देखो, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं वो बार बार यही बयान दे रहे हैं भी किसान जो है वो गलबात वाला माहौल बनाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कब नहीं बनाया बातचीत करने का माहौल? सरकार और कृषि मंत्री हमें बुलाता रहा, 11 मीटिंग होगी, उसे उन्हें ही बंद की है। उन्हें ही बोला था कि जब 26 जनवरी से ही हूँ आपसे मिलेंगे, इस तो बाद कोई बात नहीं होएगी। सो इसलिए हमें कभी भी बातचीत से मना नहीं किया। हम बातचीत से ही कोई जो है हल निकल सकता है, पर ये बार बार कृषि मंत्री का कहना कि जो कृषि विरोधी काले कानून हैं वो रद्द नहीं होएंगे, ते और तो जो भी आप किसान लेके आएंगे उनको मान लेंगे, तो सो हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि तिन्ने खेती कृषि विरोधी काले कानून को रद्द करें, MSP की गारंटी करें, और जो दो आर्डिनेंस हैं बिजली एक्ट 2020 उनको रद्द करें, और जो प्रदूषण वाला है उनको रद्द करें। ये हमारी मांगे हैं शुरू तो ला के अब तक। जितनी देर में किसी विरोधी तिन्ने काले कानून रद्द नहीं होंगे उतनी देर हम इतों जाने वाले नहीं हैं। चाहते हैं जब का भी हमने आंदोलन शुरू किया तो सरकार तो चालबाजी खेल रही है। ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है सरकार की। हम MSP पर गारंटी कानून बनाकर जाएंगे और तीनों काले कानून जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे उसको वापस करा के जाएंगे हम, नहीं तो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। इसलिए ये सरकार तो पैंतरेबाजी खेल रही है, रोज़ नया नया बयान दागते है। कहते हैं सरकार किसान बात नहीं करते। हमने तो लेटर लिखा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, तो अब तो बॉल सरकार के बारे में है, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार नया नया ये हाथकंडे अपना रही है। देखते हैं सेशन चलेगा, तो हमने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो बाई को आप देखेंगे, हमारे बड़े जथे जाएंगे और गिरफ्तारियाँ देंगे और हिंदुस्तान में पूरा दिखाएंगे अपनी ताकत। देखो, पहली गल तो जी अंदोलन खत्म करन दी है, यह जब तक तिने कानून रद्द नहीं होंगे, MSP का नवा कानून बन नहीं जाता, उदों तक यह सोचना ही गलत है। चाहे वह कृषि मंत्री है चाहे वह प्रधानमंत्री है, इसे अंदोलन खत्म कराने का जो इन्हों का उद्देश है ना, ठीक नहीं है। यह ना ही अंदोलन खत्म होने वाला है। जे खत्म ये होने वाला होता तो जो कहते सोधा कर दें अमेंडमेंट कर दें तो वो खत्म हो जाता। बिल्कुल जब तक तिने कानूनों का कोई हल नहीं ना निकलता तो बिल्कुल अंदोलन खत्म नहीं होगा। जितों तक MSP रहेगी, MSP सी, MSP देंगे, ये तो लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है। देखो, MSP 23 फसलों पर है, तो खरीदे की है, एक कणक खरीदे है, एक झोना खरीदे है, एक कॉटन खरीदे है, बाकी फसलों कौन खरीदता है? कितने MSP हो मक्के पर, कितने MSP सूरजमुखी पर, MSP कितने है, और कितनी फसल है जो MSP के अंदर ऐलान किया हुआ 23 फसलों का पर नहीं खरीदी नहीं जा रही। जितों तक 63,000 करोड़ की गल करते भी बात तो बहुत थोड़ी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, इससे ठीक नहीं है आंदोलन को ख़त्म करवाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।